हेलो दोस्तों, तो लास्ट नाइट मैं 3D में हिंदी वर्जन में अवतार 2 देख के आया। क्या एक्सपीरियंस था और मूवी देखने के बाद क्या क्या मैंने फील करा यार। क्या 4 घंटा मेरी आंखें झपकी। एक पल ऐसा भी था जब मैंने मूवी के बीच में भी अपना फोन यूज करने लगे क्योंकि मैं बोर हो गया था। लेकिन क्यों था वो भी आपको बताऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तब सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इस एक्सप्लेनेशन का मजा लें। तो दोस्तों, हम शुरुआत से ही सुपर हीरोज की मूवीज देखते आ रहे हैं। अवतार से लेके हमने मार्वल से लेके DC से लेके हैरी पॉटर तक को नहीं छोड़ा, हमने सारी मूवीज देखी है। लेकिन अभी का टाइम एक ऐसा आ चुका जो एक CGI और VFX का एक नेक्स्ट लेवल। देखो दोस्तों, मूवीज तो दुनिया बनाती है लेकिन मूवी के लिए टेक्नोलॉजी कोई बनाता है यार। ये ऐसी मूवी है जिसके लिए 2 टेक्नोलॉजीज क्रिएट करी गई है। देखो दोस्तों, मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मूवी आपका देखते देखते दिमाग घुमा देगी क्योंकि कहीं ऐसी चीजें हैं और कहीं ऐसी डिटेल्स है जिसको अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ही मजा आने वाला। मूवी की शुरुआत में जैक सिली एक किंग जो कि अपनी कुर्बानी करता है अपने किंगडम के लिए, जितने भी मेंबर्स है वो सुरक्षित रहे उन्हें राज्य का त्याग कर देता है। वो अपना राज्य का त्याग करके वो दूसरे ट्राइब में चला जाता है एक सुरक्षित और शांत भरी जिंदगी अपनी फैमिली को लिए। अपनी फैमिली के लिए वो अपने किंगडम का त्याग कर देता है ताकि वो उधर जाके रह सके। हालांकि जितने भी ट्राइब्स के लोग थे और जितने भी लोग उनके साथ वो सब उन्हें रख लेते क्योंकि उनको उन पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको अपने पास रखते हैं और उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जो दूसरे ट्राइब्स के लोग थे वो जल में रहने वाले लोग थे और ये जेम्स और उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो कि बहुत बड़े हो चुके थे वो जंगलों में रहने वाले लोग जिनको कभी भी उनमें सफर नहीं करना आता था। तो वहां के राजा ने उन्हें बोला कि आपको यहां पे पहले रहने से पहले यहां का तरीका सीखना पड़ेगा। ये चीज एक बहुत छोटी है डेवलपमेंट का सेंस देख रहे हो बंदों के। और साथ ही साथ जब वो ट्राइब में जाते हैं तो वहां पे भी उसके दुश्मन उसको ढूंढ लेते हैं कि वहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं। उसको ढूंढते वहां तक पहुंच जाते हैं, सिड्यूस करते हैं कि वो बंदे कहाँ है। एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें उसके बच्चे की जान मुसीबत में होती है और उसको कोई बचाता है और उसकी वजह से वो पूरी गेम पलटती है और उसी को बचाने के चक्कर में ये ट्राइब भी उनके साथ जुड़ जाता है। और तो और एक और इसमें विनिंग पॉइंट है जिसको देखने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा और मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो मूवी क्या मजा रहा है। अब मूवी की बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट्स में तो काउंटिंग नहीं है। इनका ग्राफिक्स वर्क आप हो जाओगे कि कितना कुछ इन्होंने रियलाइज और CGI में डाल रखा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करा गया जिसमें आप कह ही नहीं सकते कि ये क्या ये ओरिजिनल नहीं है। मैं मूवी देखते देखते मैं खुद ही खो गया था यार कि यार क्या लिटरली ये सब कुछ है। थर्ड और द बेस्ट पॉइंट यार कि मूवी अब थर्ड पार्ट में भी आएगी क्योंकि एट द एंड पॉइंट में जो स्पाइडर होता है अपने बाप को बचा लेता है, बाप उसका विलन होता है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में यार आप कुछ शॉर्ट कट कर सकते हो। CGI आपने बहुत अच्छा करा है, रियलिज्म दिखाया हो और कुछ ऐसे शॉट्स थे कि भाई आप उसको हटा भी देते तो शायद कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ता यार, क्योंकि आप मूवी को इतना लेंथी बना रहे हो सिर्फ ये दिखाने के चक्कर में कि हमने CGI करा है। CGI एक ऐसा पॉइंट था जब मूवी को अंडर वाटर सब सीन कर रहे थे तब मैं कई बीच में फोन चलाने लग गया था यार। 13 साल के बाद जो रिजल्ट निकाला गया वो एक्सपेक्टेड यही था। जिसने पहला पार्ट देखा है वो कहेगा यार क्या चेंज है इसमें, लेकिन जब बारीकियों को देख के आओगे, IMAX में देख के आओगे और नॉर्मल स्क्रीन में देख के आओगे तो पता लगेगा कि भाई है एक्चुअलिटी में चेंज। आधे घंटे की जो लास्ट की फाइट रही है वो तो भाई पैसा वसूल फाइट रही, जब पता लग रहा कि तू चल आ देखते हैं यार। लेकिन एंड में जब हीरो और विलन बच जाते हैं यार दुख बड़ा लगता है कि यार इतनी मेहनत करी बेचारे ने और फिर भी विलन बच गया। और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको हम एक्सप्लेन कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो आप मूवी देखने के बाद ही फील कर पाओगे कि क्या क्या चीजें एडिशन हुई है। अभी के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अच्छी लगे तो प्लीज शेयर और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।